हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका सिमरन का किचन में। एक बार फिर मैं आपके लिए एक नई रेसिपी के साथ आई हूँ। आज हम बनाने वाले हैं फ्रेंच फ्राइज। देखिए, हमने दो आलू लिए हैं, उन्हें शेप में काटा है। देखिए, मोटा मोटा ही काटा है। सबसे पहले हमें इन्हें आलू को हमने काट लिया। अब हम इसे अच्छी तरह से धो लेते हैं। खूब धोने के बाद में हम इसे छन्नी में सोक करेंगे। दो पानी निकालने हैं ताकि इसका स्टार्च पानी में निकल जाए, अच्छी तरह से साफ हो जाए हमारे आलू। देखिए, आलू को हमने अच्छी तरह से दो बार धो लिया है। अब इसको हम इसे थोड़ा सा सोक कर लेंगे, इसका पानी निकल जाए अच्छी तरह से। देखिए, हमने बर्तन लिया है, अब हम इसके अंदर आलू डाल देंगे जो हमने सोक किए थे, पानी निचोड़ दिया है। हमने दो अंडे लिए हैं, अब अंडों को भी इसमें डाल देंगे। देखिए, हमने दो अंडे डाल दिए हैं। अब हमने इसमें एक चम्मच बेसन लेना है, एक चम्मच बेसन डालेंगे हम इसमें। एक चम्मच हम मैदा डालेंगे, थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे। आप चाहो तो इसे स्किप भी कर सकते हो, लेकिन जायका बढ़ जाता है इनका। एक चम्मच हम लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, एक चम्मच हम नमक डालेंगे, स्वाद के अनुसार ही डालना है। एक चुटकी हम हींग डालेंगे। हम इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए, देखिए, हमने अच्छी तरह से इसे सब चीजों को मिक्स कर लिया है। देखिए, अब हम इसे फ्राई करेंगे। अब मैं गैस पे ऑयल को गर्म होने रख देती हूँ, फिर मैं आपको इन्हें फ्राई करके दिखाऊंगी। ये हमारा रिफाइंड ऑयल गर्म हो चुका है, तो अब हम इसके अंदर फ्रेंच फ्राइज डाल देते हैं। देखिए, ये हमारी फ्रेंच फ्राइज है, हम इसे एक एक करके डालेंगे। अब इसे और मिक्स कर लेते हैं अपने हाथ से, क्योंकि अच्छी तरह से इनकी कोटिंग इन पे लग जाए। फिर एक एक करके हम इसे डालेंगे। देखिए, अब हम इन्हें थोड़ा थोड़ा करके डीप फ्राई करेंगे। देखिए, एक दो मिनट हम इन्हें ऐसे ही सिकने देंगे। देखिए, हमने इसे हर साइड से पलट लिया है। देखिए, हमने इसे अच्छी तरह से चला के गोल्डन ब्राउन कर लिया है। अब हम इन्हें निकाल लेंगे। अच्छी तरह से हमारे फ्रेंच फ्राइज सिक चुके हैं। देखिए, कलर कितना अच्छा आया है। अब हम इन सबको निकाल लेंगे। ऐसे ही हम सारे फ्रेंच फ्राइज डाल देंगे। खाने में बहुत टेस्टी होते हैं और एक दो मिनट ही लगते हैं इन्हें बनने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अब मैं सारे तल के आपको दिखाऊंगी। देखिए, हमारी फ्रेंच फ्राइज बिल्कुल तैयार है, हमने आपको सामने ही बनाई है। अब मैं इसकी सीजनिंग कर देती हूँ। सबसे पहले हम इस पर चाट मसाले की सीजनिंग करेंगे। देखिए, अब हम इसके ऊपर से अमचूर पाउडर की सीजनिंग करेंगे। देखिए, सीजनिंग हमने इसमें कर दी है। डिश हमारी खाने के लिए तैयार है। जब आप खाओ तो इसे सीजनिंग को मिला लेना आपस में, इसमें सारा फ्लेवर है, मिक्स हो जाएगा। आई होप आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, जिससे जो भी नोटिफिकेशन आए आप सबसे पहले देख सकते हैं। मेरे चैनल को आप ज़रूर सपोर्ट कीजिए, जो मैं आपके लिए नई नई डिशेज लाती रहूँगी। तो चलिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के थैंक यू, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।